हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स फोर्ट नाइन की, जिसमें लगा हुआ FRP लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं बिना कंप्यूटर के, तो देखते हैं हमारी पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले फ़ोन जो है अपना वाईफाई से कनेक्ट करना है। दोस्तों, मैं कर लेता हूँ अपना फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो देख सकते दोस्तों, मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। फिर दोस्तों, आपको एग्री करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों, इसमें जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी है दोस्तों, यानी कि एंड्रॉयड 10 यानी कि इसमें दोस्तों चल रहा है। तो आज हम इसकी FRP बाईपास करने वाले हैं। दोस्तों, आपके पास इसमें का फ़ोन है, अगर आपके पास इन्फिनिक्स ओट 9 प्रो या ओट 9 फ़ोन आता है, तो आप इसी तरीके से यानी कि FRP बाईपास उसका कर लेंगे। दोस्तों, आपका फ़ोन बिल्कुल ओके सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि दिस डिवाइस वाज रीसेट, यानी कि फ़ोन जो है हमारा हार्ड रीसेट लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि गूगल अकाउंट दोस्तों यानी कि मांग रहा है। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बिल्कुल बैक आना है, यानी कि फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, और दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको लैंग्वेज पर जाना है। देख सकते दोस्तों, मैं लैंग्वेज पर जाता हूँ। लैंग्वेज पर जाने के बाद दोस्तों, हिंदी यानी कि हिंदी भारत दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों, आपको यानी कि नेक्स्ट करना है, वहीं पहुँचना है जहाँ दोस्तों यानी कि गूगल अकाउंट दोस्तों आपको मांग लेगा। तो देख लो दोस्तों, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो देख लो दोस्तों, यानी कि गूगल अकाउंट। तो देख लो दोस्तों, यानी कि वहीं आ चुके हैं जहाँ दोस्तों पहले हम बैंक गए थे। दोस्तों, यहाँ आने के बाद दोस्तों यानी कि एट द रेट के बाद में जो निशान है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर भाषा सेटिंग पर दोस्तों आपको जाना है। फिर दोस्तों, नीचे कीबोर्ड जोड़े लिख रहा है, नीचे लिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। देख दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको यानी कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, यानी कि देख सकते दोस्तों, मैं नीचे जाता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों, यानी कि जिसके सामने दोस्तों आपको निशान मिले, तो दोस्तों उस पर क्लिक करना है। यानी कि दोस्तों, नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको अंग्रेजी के सामने एक निशान है दोस्तों, यानी कि इसके इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो देख सकते दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों आपको जहाँ भी मिले दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप वैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका यानी कि हेल्प फीडबैक का ऑप्शन नहीं आएगा। दोस्तों, इस पर ही क्लिक करना है। देख सकते, मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, आपको ऊपर 3 डॉट में जाना है। देख सकते, फिर दोस्तों सहायता और फीडबैक में दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपको सर्च में जाना है। पर देख सकते दोस्तों, डी दबाया तो हिंदी वाला दोस्तों, पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश। फिर डी दबाना है। फिर डी दबाने के बाद दोस्तों, डिलीट और डिसेबल एप्स ऑप्शन आ जाएगा। फिर दोस्तों, सबसे ऊपर जाना है एप्लीकेशन पर। फिर दोस्तों, यहाँ जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र दोस्तों यहाँ ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां से यानी कि दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। दोस्तों, मैं साइट का नाम बताता हूं। दोस्तों, यहां आपको साइट डालनी है। मैं साइट डाल लेता हूं, BK स्मार्टफोन। तो देख सकते दोस्तों, मैं यहां साइट डाल लेता हूं, BK स्मार्टफोन साइट डालनी है। दोस्तों, आपको इस साइट से दो एप्लीकेशन यानी कि डाउनलोड करनी है, तो सर्च कर देना है इस साइट को डाल के। फिर दोस्तों, सबसे पहली साइट जो है, इस साइट पर क्लिक करना है। फिर गूगल अकाउंट बाईपास पर जाना है 2020। फिर यहां से एंड्रॉइड 8 गेम जो एप्लीकेशन है 5 नंबर की, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर एक यानी कि सेकेंड नंबर की जो एप्लीकेशन है FRP बाईपास, इस एप्लीकेशन को यानी कि डाउनलोड करना है। फिर मैं इसे कर देता हूँ ओके। ये दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में दोस्तों इंस्टॉल करना है। तो देख सकते दोस्तों, ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। सबसे पहले एंड्रॉइड 8 जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, दूसरे नंबर की जो एप्लीकेशन थी यानी कि FRP बाईपास, इस एप्लीकेशन को दोस्तों अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यानी कि ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर जाना है, 3 डॉट में जाना है। फिर ब्राउज़र साइनिंग पे जाना है। फिर दोस्तों, यहाँ आपको अपनी नई यानी कि ईमेल आईडी दोस्तों आपको डालनी है। नहीं है तो दोस्तों, आप पहले बना लें। दोस्तों, यहाँ ईमेल दोस्तों, यहाँ गूगल अकाउंट जो होता है दोस्तों, यानी कि वो आईडी यहाँ डाल के और पासवर्ड डाल के दोस्तों यानी कि लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आप करना क्या दोस्तों, आपको बिल्कुल बैक आना है। दोस्तों, अपना फ़ोन जो है रिबूट नहीं करना दोस्तों, आपको बिल्कुल बैक आ जाना है, यानी कि बंद नहीं करना फ़ोन, बिल्कुल ऐसे ही बैक आना है। तो देख सकते दोस्तों, मैं बिल्कुल बैग आ जाता हूँ। दोस्तों, कुछ क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पहले बंद कर देते हैं कि एंड्रॉइड P9 जो दोस्तों जो चल रहा था उसमें दोस्तों यानी कि फ़ोन जो है रिबूट करना पड़ता था। दोस्तों, अब रिबूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बिल्कुल बैग आना है। बैग आने के बाद दोस्तों, यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, आपको नेक्स्ट करना है। और जो हमारा दोस्तों गूगल अकाउंट मांग रहा था, वो गूगल अकाउंट नहीं मांगने का, और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल ओके खुल जाएगा।
और दोस्तों कहीं भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में दोस्तों हमें जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर आपका फोन बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फोन जो है बिल्कुल ओके अब खुल जाएगा। देख सकते हैं अकाउंट एडिट यानी कि जो पुराना अकाउंट था वो डिलीट हो चुका है, दोस्तों नया अकाउंट जो हमारा ऐड हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं यानी कि इसका वेट कर लेता हूँ, हमारा फोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फोन जो है बिल्कुल ओके यानी कि खुलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।